हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेवोस एग्ज़ाम के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन को इधर से उधर उलट पलट के पूछ ही देता है हर एक क्वेश्चन में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में दो पार्ट्स में आपको समझाऊंगा। पार्ट वन में आपको ओनली फॉर AIGC एग्ज़ाम के बारे में समझाऊंगा कि एग्ज़ाम में क्या लिखना है, कैसे आपको 8 नंबर मिल जाएगा, और पार्ट टू में इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, इसका मीनिंग्स क्या रहता है। तो देखते हैं हम IGC क्वेश्चन का। एक बैंक रहता है जो हमेशा रिपीट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन एक ही रहेगा, लेकिन उसको पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा इधर से उधर हो जाए, चेंजिंग हो जाएगा। नेवोस IGC क्वेश्चन एक ही रहता है, लेकिन उसको थोड़ा इधर उधर चेंज करके स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को अलग अलग रूप से पूछता है। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। व्हाट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एन ऑडिट, फर्स्ट है इसमें क्या पूछ रहा है। व्हाट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एन ऑडिट, ऑडिट के समय क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डॉक्यूमेंट नीड फॉर ऑडिट, ऑडिट के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी होता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑडिट डॉक्यूमेंट, ऑडिट डॉक्यूमेंट क्या है। व्हाट डॉक्यूमेंट आस्क बाय ऑडिटर ड्यूरिंग एन ऑडिट, ये क्वेश्चन चार दिया, लेकिन ऐसे बहुत 40 रहता है, चार की जगह 40 क्वेश्चन आपको आएगा ऐसा, जो क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा लेकिन क्वेश्चन अलग अलग चेंज होता रहता है। लेकिन इसमें सबसे कॉमन वर्ड क्या है, ऑडिट और डॉक्यूमेंट्स। बात करें तो ऑडिट और डॉक्यूमेंट्स एक ही है, डॉक्यूमेंट्स ऑडिट क्या है, ऑडिटर क्या डॉक्यूमेंट्स पूछता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारा आंसर एक ही होता है, ऑडिट डॉक्यूमेंट्स। ऑडिट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा होता है जो नेवोस पूछता है। सबसे पहले नेवोस का एग्ज़ाम हम लिखते हैं, उसमें हमारे बात को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन है लेंदी हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसका सटक बुलेट पॉइंट में आंसर होना चाहिए, पॉइंट वाइज पॉइंट होना चाहिए। एग्जामिनर को ये नहीं लगा कि ये लेंदी क्वेश्चन का लेंदी आंसर दे रहा है, तो उसके पास टाइम नहीं रहता है एग्जामिनर के पास वो आपको लेंदी क्वेश्चन पढ़ने का, नहीं तो चेक करने का। इसलिए नेवोस हमेशा सजेस्ट करता है कि आप बुलेट पॉइंट में क्या पूछता है वही उसका सटीक आंसर दें। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट है अगर आपको क्वेश्चन में ये 4-5 जितना भी क्वेश्चन आ गया ऑडिट डॉक्यूमेंट्स का, तो आप 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, तो आप 8 मार्क्स लिख सकते हैं, 8 पॉइंट लिखिए। 8 पॉइंट लिखेंगे तो आपको क्या उसमें चांस रहता है, एग्जामिनर को अगर आपका 1-2 पॉइंट अगर उसको अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर को अगर रॉन्ग हो गया, रॉन्ग लगा कि नहीं होना चाहिए, तो आपको पॉइंट कट जाता है। तो मैं सजेस्ट क्या करता हूँ, आप मिनिमम 10 लिखिए और मैक्सिमम 12 लिखिए, 10 to 12 का बैलेंस बनाकर 8 मार्क का क्वेश्चन में लिखिए। अगर आप 15 to 20 लिख देते हैं तो वो भी आपको लेंथी आंसर में चला जाएगा। जब लेंथी हो जाएगा तो क्या एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं रहेगा। आपको 20 पॉइंट लिख दिया, सपोज़ 20 पॉइंट लिख दिया, एग्जामिनर का 8 मार्क का क्वेश्चन है तो 8 पॉइंट देखेगा, स्टार्टिंग से आपको 8 पॉइंट ले लेगा। उसके बाद से जो 8 में से अगर कुछ भी आपको रॉन्ग हो दिखा तो वो अकॉर्डिंग उसके वो आपको आंसर दे देगा, मार्क्स दे देगा। 8 मार्क्स आपको दे दिया, बाकी आप तो 20 पॉइंट लिखे ना, उसमें बहुत सारा पॉइंट सही भी रहता है तो वो आपको वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप 10 to 12 का बैलेंस बना के चलिए, और वो भी बुलेट पॉइंट में, क्या पूछ रहा है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप बुलेट पॉइंट में लिखिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम ऑन टॉपिक बात करते हैं। फर्स्ट नंबर आप लिखिए अ कॉपी ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। सेकेंड, द सेफ्टी हैंडबुक और प्रोसीजर मैनुअल। थर्ड पॉइंट में डिटेल ऑफ रिटन सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क की जगह पे आप SOP भी लिख सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ सेफ्टी कमिटी मीटिंग।
फिफ्थ पॉइंट में एक्सीडेंट स्टेटिस्टिक, सिक्स में रिकॉर्ड ऑफ मेंटेनेंस, डिटेल ऑफ फर्स्ट एड बुक, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, रजिस्टर ऑफ हजारियस सब्सटेंस, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, रिस्क असेसमेंट एंड फाइनली प्लान इंस्पेक्शन रिपोर्ट। यहाँ पे हम आपको सजेस्ट करेंगे 12 पॉइंट लिखने का। सपोज आप 8 मार्क्स का, 8 ही, कितने स्टूडेंट क्या करते हैं 8 मार्क्स है तो 8 ही पॉइंट लिखते हैं, तो एग्जामिनर क्या करेगा, अगर ये 8 लिख दिया आप, 8 में से अगर कुछ भी गलत हो गया तो आपको सपोज करो कि ये पॉइंट गलत हो गया, एक इधर से गलत हो गया, दो गलत हो गया तो आपका पॉइंट कितना बचा, 6 पॉइंट बचा, 6 का अकॉर्डिंग वो आपको मार्क्स देगा। इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक दो पॉइंट अगर मिस भी हो जाता है तो आप 12 पॉइंट लिखिए, 10 to 12। अगर ज़्यादा, अगर आप इसको 20 कर देते हैं तो एग्जामिनर यही फार्मूला यूज़ करेगा, 1 to, यहाँ से आपको ये स्टाइप कर देगा, इसमें से अकॉर्डिंग आपका क्या सही है क्या गलत है वो इस हिसाब से आपको मार्क्स देगा। पार्ट टू की बात करें तो पार्ट टू में आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ता है, जबकि नेबोस का आप एग्ज़ाम लिखते हैं उसमें नेबोस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। अब उसको सिर्फ बुलेट पॉइंट होना, ऑन टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट पूछ रहा है उसका ही आंसर होना चाहिए, नेबोस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आप IGCSE का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, बुलेट पॉइंट आप मेमोराइज कर दिए लेकिन आपको नॉलेज नहीं, एक्सप्लेनेशन का नॉलेज नहीं है, तो आपको बैकग्राउंड लेवल पे, आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, प्रैक्टिकली आप ड्यूटी करने जाएंगे, जब आपको ये एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगा, उस कंडीशन के लिए मैं आपको पार्ट टू में बता रहा हूँ। ऑडिट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, किसी भी कंपनी में ऑडिटर आता है सेफ्टी ऑडिट करने के लिए, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पूछता है, ऑडिट डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेगा। सबसे पहले अ कॉपी ऑफ हेल्थ सेफ्टी पॉलिसी के बारे में हम जान लें, एक कंपनी का हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होता है, जो कंपनी का क्या पॉलिसी मेमोरेंडम क्या क्या किया है उसके बारे में एक कंपनी का रहता है। दूसरे बाद द सेफ्टी हैंडबुक और प्रोसीजर मैनुअल, इन एग्जिट का क्या प्रोसीजर मैनुअल है, हैंडबुक क्या है, विस्टर गाइडलाइंस क्या है, ये मैनुअल में आपको, हैंडबुक में ना तो प्रोसीजर मैनुअल में ये पूरा आपको देखने को मिल जाता है। डिटेल ऑफ रिटर्न सेफ सिस्टम ऑफर, किसी भी काम को करने के लिए एक सेफ सिस्टम, कंपनी ने एक अपना सेफ सिस्टम बना के रखता है, एक SOP बना के रखता है, वो एक SOP के, वो सेफ सिस्टम के अकॉर्डिंग ये कोई भी काम करता है। फोर्थ पॉइंट है रिकॉर्ड ऑफ सेफ्टी कमिटी मीटिंग, सभी कंपनियों में एक सेफ्टी कमिटी मीटिंग होता है जो कि HOD लेवल से होता है, उसमें क्या कौन सा डिपार्टमेंट का क्या सेफ्टी सजेशन है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब फॉर्मिंग करते हैं। एक्सीडेंट स्टेटिस्टिक, स्टेटिस्टिक का मतलब क्या है, एक्सीडेंट रिलेटेड टोटल डाटा, ये पूरा एक्सीडेंट स्टेटिस्टिक में आपको एक्सीडेंट रिलेटेड टोटल डाटा आ जाएगा इसमें। रिकॉर्ड ऑफ मेंटेनेंस, क्या क्या रिकॉर्ड ऑफ मेंटेनेंस कर रहे हैं वो भी ये रिकॉर्ड ऑफ मेंटेनेंस में आएगा। डिटेल ऑफ फर्स्ट एड बुक, फर्स्ट एड बुक में अब क्या क्या एंट्री किए हैं फाइनेंशियल ईयर में, नहीं तो किसी भी साल का भी पूछ सकता है, वो फर्स्ट एड बुक में किसको इंजरी हुआ, किसको क्या हुआ, कब है उसका डिपार्टमेंट, उसका फुल डिटेल्स रहता है फर्स्ट एड बुक में। उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, कुछ भी अगर एक्सीडेंट हुआ उसको इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसका क्या फाइनल रिजल्ट क्या आया, उसमें रूट काउजेस क्या है, ये सब पूरा डिटेल्स जानकारी होना चाहिए। रजिस्टर ऑफ हजारियस सब्सटेंस, जो भी हजारियस सब्सटेंस है वो आपके पास रजिस्टर्ड है कि नहीं है वो इसके बारे में देखना चाहिए। ट्रेनिंग रिकॉर्ड, किसी भी कंपनी में जाने से पहले एक ट्रेनिंग होता है, इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, वो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ये भी ट्रेनिंग रिकॉर्ड इसको बोलते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के रूप में ये फार्मिंग किया जाता है, ये भी ऑडिटर पूछता है। और 11 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिस्क असेसमेंट, किसी भी काम को करने के लिए सेफ है अनसेफ है, रिस्क कितना है, उसका वैल्यू कितना है, ये सब जानने के लिए हमें रिस्क असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और हर एक कंपनी ने अपना अलग अलग काम के लिए अलग अलग रिस्क असेसमेंट तैयार कर रखा है, तो ऑडिटर रिस्क असेसमेंट भी पूछ सकता है। और प्लांट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जो कि पहले से क्या इंस्पेक्शन का क्या आपका रिपोर्ट है, क्या प्लानिंग करके रखा है पहले से,
वो इसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ता है, वो भी ऑडिटर इसके बारे में पूछ सकता है। तो दोस्तों ये चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इन्फो सेफ्टी, और कभी भी आपको आईओएस नेबोस एंड किसी भी हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।